छतरपुर में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन बीवी के नेतृत्व में जंगी प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की, जहां पर मौजूद पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों ने कांग्रेस के लीडरों और कार्यकर्ताओं को रोका और जब वह नहीं माने तो उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी की बौछार छोड़ी गई, जिससे कांग्रेसी तितर बितर हो गए। छतरपुर में कांग्रेस के जंगी प्रदर्शन में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जहां भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला, तो वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री की सज्जन वर्मा के द्वारा बांग्लादेश और भारत को लेकर दिए गए बयान से किनारा करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में भरोसा करती है, हम वो लोग नहीं है, हम सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से ही अपना विरोध करेंगे, धरने देंगे, आंदोलन करेंगे, जेल जाएंगे, जो श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ उससे कांग्रेस पार्टी सरोकार नहीं रखती है। वहीं उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में ना बीजेपी, ना मोहन यादव और ना जनता की सरकार है, बल्कि माफियाओं की सरकार है। उन्होंने कहा कि सीएम मोहन यादव ने कर्ज, करप्शन और क्राइम अपने तीन मंत्री बनाए हुए हैं। वहीं युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास ने भी भाजपा सरकार पर जमकर तंज कसे हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी नीट और नर्सिंग घोटाले को मुद्दा बनाकर प्रदर्शन कर रही है, जिसको लेकर छतरपुर में पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी श्रीनिवासन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को छत्रसाल चौराहे पर सभा को संबोधित किया और उसके बाद सभी प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट ऑफिस को घेरने पहुंचे और बैरिगेड्स हटाने की कोशिश करने लगे, जहां पर पुलिस ने उन्हें रोका, लेकिन कांग्रेसी जब नहीं माने तो उन्हें बलपूर्वक और पानी को बौछार से कांग्रेसियों की भीड़ को हटाने की कोशिश की। इतने पर भी जब कांग्रेसी नहीं माने तो उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। छतरपुर में पूरे देश में नीट की एग्जाम्स को लेकर, नर्सिंग की एग्जाम को लेकर, व्यापम को लेके, नौकरियों की भर्ती को लेके, पेपर लीक को लेके, जो नरेंद्र मोदी के राज में प्यार से लोगों ने वोट दिए उनके बच्चों के भविष्य को घोटने का काम चल रहा है, उसके खिलाफ युवा कांग्रेस ने अपना अभियान चालू रखा है और छतरपुर में इसका आंदोलन था। हम ज्ञापन देके, कलेक्टर से बात करके राष्ट्रपति को अपनी भावना व्यक्त करना चाहते थे, पर चूँकि पानी की बौछार और लट और डंडे ये सब भेज दिए और हमें यहाँ लिया है, तो कांग्रेस पार्टी अपनी बात कहती रहेगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं है, मध्य प्रदेश में जनता की भी सरकार नहीं है, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की भी सरकार नहीं है, मध्य प्रदेश में माफियाओं की सरकार है। आज रेत माफिया क्या होता है छतरपुर की जनता जानती है, खनिज माफिया क्या होता है, शिक्षा माफिया क्या होता है, शराब माफिया क्या होता है, क्या होता है जमीन माफिया और क्या होता है प्रशासनिक माफिया और राजनीतिक माफिया, ये सब मध्य प्रदेश में चलने लग गया है। सर, आप लोग अपना मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी ताकत से इस माफिया राज के खिलाफ लड़ती रहेगी और जैसा मैंने आप सबसे आग्रह किया कि जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हम संयम से विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। मोहन यादव जी को, जिन्होंने कर्ज, क्राइम और करप्शन को अपना तीन मंत्री बना लिए हैं, कर्ज, क्राइम और करप्शन मोहन यादव के तीन मंत्री हैं, ये रोज कर्ज वाला कर्ज का काम करता है लेने का, करप्शन वाले सब दूर लगे हुए हैं और क्राइम जगह जगह होता है। मैं मानता हूँ मध्य प्रदेश की जनता ने बहुत प्यार से चुना है इन लोगों को, 25 साल से चुना है। आज जितनी भी तकलीफें हैं, वो चाहे महंगाई की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे व्यापम और परीक्षाओं की धांधली की हो, पेपर लीक की हो, चाहे किसानों के कर्ज और उसकी आत्महत्या की हो, चाहे दलितों पर अत्याचार की हो, इसका सबका दोषी अगर कोई है तो बीजेपी है। मैं फिर से मोहन यादव जी से अनुरोध करता हूं कि ये करप्शन और माफियाओं की सरकार को जरा दुरुस्त करो, अन्यथा कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका ताकत से, दृढ़ता से निभाती रहेगी। सर, आप ज्ञापन, हमने कहा था कि नर्सिंग का जो सबसे बड़ा आरोपी है विश्वास सारंग, उसको गिरफ्तार करके मंत्री पद से हटाना चाहिए, नहीं हटाया। कितनी दुर्दांत व्यवस्था है इस सरकार की, एक मंत्री हैं सागर के गोविंद राजपूत जी,
उनके खिलाफ एक परिवार ने कहा कि हमारे पिता का को हमारे घर से लेके गए गोविंद राजपूत जी। पूरे प्रशासन ने इस बात का ध्यान नहीं दिया, कांग्रेसियों ने, आम जनता ने इसके आंदोलन किए, कई सालों तक किए। कोर्ट ने कल फैसला दिया कि उसके पिता को ढूंढा जाए और पिता को ढूंढने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार के अधिकारियों पर भरोसा नहीं किया। देश के आईएएस अलग अलग जगह के लोगों की एसआईटी बनाकर उस पूरे केस को कोर्ट ने उसके सुपुर्द किया है। ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है कि सरकार पे अब कोर्ट को, व्यवस्था को, आम जनता को भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने कहा ये माफिया सरकार है। धन्यवाद। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7 स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।